हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाई कुछ ऐसी कार्स के बारे में जो कि छुपा हुआ हीरा है। एक्चुअली होता क्या है ना, यूट्यूब की हवा में कुछ कार्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू जो है काफी अच्छी होती है, पर एक ट्रेंड्स की हवा में ना हम उन कार्स को भूल जाते हैं। हम उन्ही कार्स के पीछे भागने लगते हैं जिनकी वीडियोज हमें नजर आती हैं। पर आज मैं आपको उन कुछ कार्स के बारे में बताने वाला हूं भाई जो बिल्कुल है अंडररेटेड कार्स। इसका मतलब वो गाड़ियां कि भाई लोग जिनको इग्नोर कर रहे हैं पर वो अपने प्राइस के हिसाब से आपको काफी ज्यादा वैल्यू डिलीवर करती है। इनफैक्ट दोस्तों, ये जो कार्स मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इजी टू मेंटेन है, इनकी लाइफ काफी ज्यादा है भाई, 10-12 साल भी आप आराम से इन कार्स को चला सकते हो विदाउट मच ऑफ प्रॉब्लम। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों लिस्ट में सबसे पहले जो मैं कार को रखना चाहूंगा, इस कार का नाम है होंडा अमेज। ये कार 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है। इस कार की जो प्राइसिंग है दोस्तों 8,27,000 रुपए ऑन रोड से शुरू हो जाती है। ये बहुत प्रीमियम सेडान लगती है मुझे अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हालांकि देखो, इसके ना चलने का जो मेन कारण रहा है वो रही है मारुति स्विफ्ट डिजायर। अब मैं ये बिल्कुल बोलना नहीं चाहूंगा कि डिजायर कोई अच्छी कार नहीं है, बट दोस्तों रियलिटी ये है कि लोगों ने जो है इसका जो प्राइस डिफरेंस आता है आई थिंक वो कुछ 90,000 रुपए के आसपास अमेज से सस्ती है अगर हम बेस मॉडल की बात करें, तो उसकी वजह से लोग वहां पर चले जाते हैं। बट पीपल डोंट रियलाइज कि जो अमेज की बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इनफैक्ट अगर मैं कार के इंजन की बात करूँ ना, तो मैं होंडा का इंजन मारुति के डिजायर वाले इंजन से एक पॉइंट ऊपर ही रखना चाहूंगा। देखो हालांकि दोनों इंजन काफी अच्छे हैं, पर मुझे पर्सनली ड्राइव के मामले में और ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में होंडा की अमेज प्लस होंडा का जो इंजन है भाई 1.2 लीटर का, मुझे काबिले तारीफ लगता है। अगर मैं इनफैक्ट अगर कार मेंटेनेंस की बात भी करता हूँ ना होंडा अमेज की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई होंडा ब्रांड है तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये एक तरह की हवा बना रखी है, बहुत मतलब ड्यूरेबल कार रहती है, बहुत प्रीमियम सर्विस मिलती है आपको, कुछ महंगा कुछ भी नहीं है, काफी अफोर्डेबल है अगर आप होंडा अमेज को लेकर चलते हो तो। दोस्तों आप खुद ही रोड पे रियलाइज करोगे कि अगर एक तरफ डिजायर खड़ी हुई है और एक तरफ होंडा अमेज खड़ी हुई है तो भाई रोड प्रेजेंस जो है होंडा अमेज की ज्यादा अपीलिंग है। इनफैक्ट अब होंडा अमेज फेसलिफ्ट भी आने वाली है, इसका एक अपडेट आने वाला है। होंडा थोड़ा सा स्लो तो चलता है, ये बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अपनी कार्स की वैल्यू ना देखो होंडा खुद ही कम करता है। ये फेसलिफ्ट ऑलरेडी आ जाना चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पर ना यही चीज है, मारुति थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है और वो काफी एक्टिव भी है। देखो आप ऑलरेडी डिजायर फेसलिफ्ट की खबर आ चुकी है और डिजायर फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो जाएगी, अभी अमेज फेसलिफ्ट का कुछ पता ही नहीं है। हालांकि इन बातों के अलावा भी मुझे होंडा अमेज काफी वैल्यू फॉर मनी लगती है, तो अगर आप खरीदना चाहो तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है जो मुझे काफी अंडररेटेड लगती है वो i10। अब बेसिकली अगर आप i10 की बात करते हो तो मैंने इसका नाम इसलिए रखा है, इसके अंदर जो इंजन आता है ना भाई 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड। अब दोस्तों ये कार आपको 6,62,000 रुपए में मिल जाती है ऑन रोड अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं। अब आपको पता है कार में सबसे इंपॉर्टेंट कार का इंजन ही होता है। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये वही इंजन है जो आपको किया सोनेट हुंडई वेन्यू 1.2 लीटर जो लगकर आता है ना, ये सेम इंजन की यूनिट है। तो अगर आपको ज्यादा बड़ी कार नहीं चाहिए, आपको ज्यादा शोशेबाजी नहीं चाहिए भाई, ये कार आंख बंद करके उठा लो आप, इस कार की लाइफ बहुत ज्यादा सही है। ये जो इंजन है ये भी काफी प्रूवन इंजन है। इवन जो मैं अमेज की बात कर रहा था मैं बताना भूल गया था भाई, आप आराम से अमेज को भी 12 साल तक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेम बात हुंडई i10 के लिए भी बोलूंगा, आप आराम से इसको 12 साल चलाओ। मैंने हुंडई i10 को लिटरली बता रहा हूँ भाई 150 पे भागते हुए भी देखा है हाईवे पे 4 लोगों के साथ। इसका रीजन ये है कि कार का साइज छोटा है पर कार का इंजन बहुत पावरफुल है। आप मतलब कहीं भी लेकर जाओ कार को, हाईवे पे चलाओ, आप हिल्स पे चलाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है। कार की माइलेज भी बहुत ज्यादा शानदार है। इनफैक्ट जो कार की लुक है, कार की जो रोड प्रेजेंस है, बिल्कुल भी आपको आउटडेटेड नहीं लगेगी, आपको बहुत ट्रेंडी कार लगती है देखने में। और साथ ही में अगर आपको इन कार्स की शोरूम वॉक अराउंड की वीडियोस चेक करनी हो, मेरे चैनल पे होंडा अमेज या फिर i10 जिन कार्स के मैं नाम लूंगा, हमारे चैनल पे शोरूम वॉक अराउंड वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है वो आती है टाटा के घराने से। इस कार का नाम है टाटा टियागो। ये कार मुझे काफी ज्यादा अंडररेटेड लगती है। 5,62,000 रुपए ऑन रोड में आजकल आपको ये कार देखने को मिल रही है और इस कार के अंदर वही इंजन आता है जो आपको टाटा पंच में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन मिलता है। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी कार 4-स्टार रेटेड नहीं मिलने वाली है। हालांकि देखो पंच का मैंने नाम लिया है वो 5-स्टार रेटेड है, पर यार 4-स्टार भी बहुत सही होता है और टाटा टियागो की बिल्ड क्वालिटी काफी प्रूवन है। टियागो से टकरा के ना भाई अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कार्स के बंपर भी गिर जाते हैं क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। कार का जो इंजन है ना, कार के साइज के हिसाब से बहुत सही पावर जनरेट करता है। सेम ग्रैंड i10 वाली बात है, बट इट इज जस्ट दैट i10 का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है,
यहाँ पर ये 3 सिलेंडर है, पर भाई कार के अंदर पावर की कोई कमी नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ हजारों लोग इस कार को चला रहे हैं और काफी मतलब सेफ्टी के साथ और हैप्पीली इसको ड्राइव करते हैं। ये कार भी आपका हाईवे इस पहाड़ों पे कहीं भी आप लेकर जाओ बिल्कुल प्रूवन कार है। टियागो में सीएनजी का ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आ चुका है, तो यहाँ पर यानी कि आप देखो कि टियागो भी आपको सीएनजी, ईवी, एएमटी सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये कार बहुत अंडररेटेड है। आई वांट कि भाई इस कार की सेल्स बढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर आप कम पैसों में एक सेफ कार देख रहे हो। सो टियागो शुड बी फर्स्ट ऑन योर लिस्ट गाइस। दोस्तों इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है वो है भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। अब आप सोच रहे होगे यार कि ये आपने अंडररेटेड क्यों बोला है, 10,000 यूनिट तो बिक ही रही है। डेफिनेटली बिक रही है गाइस, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3XO का जो सेल्स का ग्राफ है ना, कम से कम भी भाई इस कार को 15,000 मिनिमम बिकना चाहिए। अब इसका जो कारण है ना, ये कार अंडररेटेड है, वो एक्चुअली में अंडररेटेड ना हो के ना, उसका सीन ये है कि इसकी आधी से ज्यादा सेल्स अभी भी टाटा नेक्सॉन खा जाती है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं ना, अगर टाटा नेक्सॉन टाटा की कार नहीं होती ना, लेट्स अज्यूम वो मारुति नेक्सॉन होती या फिर हुंडई नेक्सॉन होती, सो बेसिकली फिर लोग 3XO को ही खरीदते, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में नहीं आती। इनफैक्ट एक दो चीजें आपको ज्यादा ही मिलती है। इट इज जस्ट दैट कि लोग जो है, क्योंकि यार देखो टाटा भी देश की कंपनी हो जाती है, महिंद्रा भी देश की कंपनी है, सो देश का लोहा वाला जो एक ब्रांडिंग एड होती है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्सॉन जो है खुद की इमेज से ज्यादा टाटा के नाम पे ज्यादा बिकती है कि भाई टाटा की नेक्सॉन कार है। पीपल लव टाटा कार्स, पीपल लव कि भाई इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है अमेजिंग है। अगर गलती से भी मैं अगेन रिपीट करूंगा कि नेक्सॉन टाटा की कार ना होती, भले ही भाई किसी और ब्रांड की कार होती, वो इतनी कभी नहीं बिकती। बहुत पहले ही महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को टेक ओवर कर चुकी होती। कार के अंदर आपको ज्यादा स्पेस मिलता है, 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, स्टेयरिंग सेंसिटिविटी मोड मिलते हैं, मतलब बेस मॉडल से ही आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। कार की जो बिल्ड क्वालिटी है 5-स्टार लेवल की आती है। इंटीरियर्स कार के काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो गए हैं। कार की प्राइसिंग भाई 8.5 लाख रुपए का बेस मॉडल है। दिस इज द बेस्ट कार यू कैन गेट राइट नाउ इन इंडिया एट दिस प्राइस पॉइंट। दोस्तों लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है जो मुझे काफी ज्यादा अंडररेटेड लगती है, वो है होंडा एलिवेट। यार ये जो कार है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने चेक करी है, इसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चाहे 3XO हो, एलिवेट हो, शोरूम वॉक अराउंड की। अब मेरी एक आदत है, मैं ना शोरूम में ही शुरू हो जाता हूँ कार को ठोकना पीटना। सो आई लिटरली फाइंड आउट कि क्रेटा हो या फिर ग्रैंड विटारा हो, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। कार के अंदर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आता है। कार चलाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ साइलेंट है। अंदर से बैठने के बाद काफी प्रीमियम लुक कार में ऐड होती है। अब देखो कहीं ना मैं वो बात रिपीट करूंगा कि होंडा की कार जो फ्लॉप हो रही है ना, होंडा का खुद ही रोल है उसमें कहीं ना कहीं। आई मीन जब तक होंडा अपडेट लेकर आता है ना, तब तक भाई दूसरे ब्रांड तो उसके दूसरे अपडेट निकालना शुरू कर देते हैं। अब इवन जो होंडा एलिवेट भी है भाई, ये लोग लाते लाते इस कार को इतना लेट हो गए, तो कंज्यूमर कहीं ना भाई थोड़ा सा ना हट रहा है होंडा की कार से। पर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ भाई, अगर आप इन चीजों में बिलीव नहीं करते ना, ब्रांड ये वो कार है जो 15 साल कहीं नहीं गई। होंडा प्रोड्यूसर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखो अगर आप ध्यान से समझोगे ना, मैं एग्री करता हूँ कि भाई ये लेट है, डिले है, फलना है, ढिमका है, पर अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपका साथ लॉन्गर टाइम तक निभाए, भाई ये डेफिनेटली वो कार है। इसको अगर आपने ले लिया ना, मतलब चिंतामय जीवन है आपका। आपको कोई ना सर्विस सेंटर जाना है, ना कोई शोरूम जाना है, इजी टू मेंटेन कार्स है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल लूट लिया आपको। भाई होंडा की कस्टमर सर्विस की ना लिटरली कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेगी, कंज्यूमर्स बहुत हैप्पी हैं, ये कार्स हार्डली खराब होती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं साफ साफ एक चीज रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पर सीएनजी की कोई गारंटी नहीं लेता। सीएनजी कार जो है ये अपने आप जोड़ तोड़ के डीलर्स लगा के दे रहे हैं, होंडा कहीं पे भी इसको भाई अपने आप से R&D करके नहीं दे रहा है। सो आई डू नॉट काउंट सीएनजी कार्स ऑफ होंडा इन माई लिस्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल कार्स की बात कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली उनके साथ स्टैंड करता हूँ। ये जो सीएनजी जबरदस्ती लग लग के आ रही है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी आपको उसकी कोई रेकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका काफी सही डेटा नहीं है। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है कि होंडा अपनी R&D करके ये सीएनजी लगा के नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों देखो जब कंपनी अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है ना, तो काफी चीजों को लाइक पैरामीटर वाइज करती है कि सीएनजी कार्स के ब्रेकिंग को रीसेट करा जाता है, कार के इंजन की पावर को ट्यूनअप्स करा जाता है, कार की जो ओवरऑल पाइपलाइंस होती हैं, फिटिंग्स होती हैं, जो भी मतलब कार की जो टेक्निकल चीजें हैं, उसमें ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, उसको काफी सेफेस्ट तरीके से कार को रीस्ट्रक्चर और प्रोग्राम करा जाता है। यहाँ पर जबरदस्ती है डीलर्स के थ्रू लगाकर सीएनजी बेचना, मैं अभी फिलहाल उस चीज के साथ नहीं हूँ। मेरे पास जब इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके बारे में बात करें। दोस्तों आप सब लोगों की ईमेल्स मुझे मिल गई है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया अपनी कार ओनरशिप रिव्यूज को लेकर। पर यार NCR के जो डायरेक्शन आ रहे हैं, बहुत अपोजिट साइड से ईमेल्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है वहाँ पे ट्रैवल करना। तो फिलहाल अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे ईमेल करें, हम आपसे मिलकर आपकी कार ओनरशिप का रिव्यू करेंगे। इसका कोई भी चार्ज नहीं है,
और अभी एनसीआर वालों का डेटा हमारे पास है, हम लोग जैसे ही एनसीआर की साइट्स पर पहुंचते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर अगर आप दिल्ली विजिट करते हो कभी भी तो हमें एक दो दिन पहले मेल कर देना। वी वुड लव टू प्लान कार ओनरशिप रिव्यू एज पर द ईमेल यू गिव अस। दोस्तों लिस्ट में जो नेक्स्ट कार है जो मुझे काफी अंडररेटेड लगती है, दैट इज मारुति इग्निस। अब यार इस कार के अंदर भी ना आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर इंजन आता है। अब इसका जो क्लोजेस्ट कंपटीशन है ना, आप एक बार को टियागो भी मान सकते हो और पंच भी मान सकते हो। पर अगर आप कोई ऐसी कार ढूंढ रहे हो ना कि आपको ड्राइविंग काफी अच्छी आती है और आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे भरोसा है, पर आपको कार ऐसी चाहिए जो आपका साथ 12-15 साल निभा दे कम पैसों में, तो इग्निस वो कार आपके लिए हो सकती है। भाई ये काफी प्रूवन इंजन है, इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आती है, भाई सिग्नेचर इंजन है मारुति का। और कुछ टाइम बाद ये आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे सारी कार्स 1.2 लीटर 3-सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्विफ्ट ऑलरेडी हो गई है, डिजायर अब आएगी 3-सिलेंडर में आएगी, तो इग्निस आई एम नॉट श्योर दोबारा आएगी या नहीं आएगी, बट अगर आती है तो 3-सिलेंडर में आएगी। तो अगर आप अभी इस कार को लेते हो तो अगले भाई 10-15 साल आप इस कार के मजे ले सकते हो। कार की माइलेज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कार के लुक्स भी अलग है। अगर आप इस कार का जो आउटर लुक देखते हो, एक्सटीरियर और इंटीरियर, मारुति की बाकी कार से इग्निस डेफिनेटली देखने में अलग लगती है। दे कॉल इट लाइक काइंड ऑफ अर्बन एसयूवी, तो डेफिनेटली ये वर्थ चेकिंग आउट है। मुझे तो एक्चुअली ये लगता है कि जो उनकी पहले रिट्स आती थी, आई थिंक उसी के प्लेटफॉर्म पे ये बनाई गई है। थोड़ा मैं रिसर्च करूंगा इस बारे में, बट मुझे कहीं ना कहीं इग्निस को देख के ना रिट्स वाली फीलिंग ही। हालांकि दोस्तों इग्निस की जो बिल्ड क्वालिटी है उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कार, आई मीन जैसे मारुति की जो रैंडम कार्स आती है आपको पता ही है, दे डोंट रियली शो ऑफ कि भाई क्या सेफ्टी है क्या है, बस मारुति के नाम से चल रही है। पर अगर आप मारुति की कोई कार पहले भी चलाते थे, अगर आप लाइक अपग्रेड करना चाहते हो या फिर कोई दूसरे ब्रांड से आप एक ऐसी कार मारुति की लेना चाहते हो जो भाई आपका 15 साल निकाल दे, सो इग्निस वो कार डेफिनेटली बन सकती है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप अंडर बजट हैं, आपको ऐसी कार चाहिए जो बहुत कम खर्चे में लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपका साथ निभाए, कम पैसों में भी आपकी फैमिली को एसी में ट्रैवल कराए, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा भाई इस कार को आराम से चलाइए, ज्यादा भगाइए नहीं क्योंकि कार की सेफ्टी सही नहीं है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं, देखो बाइक पे अगर आप फैमिली लेके ट्रैवल करते हो तो उससे तो भाई काफी हजारों लेवल ऊपर तक सेफ्टी आपको मिल जाती है। दोस्तों लिस्ट में जो नेक्स्ट कार्स है, मैं एक साथ 3 कार की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वो है कुशाक, टाइगुन एंड वर्टस। अब आप बोलोगे कि यार अंडररेटेड क्यों बोल रहे हो, एक्चुअली जर्मन ब्रांड्स को ना हमारे देश में आजकल जो देखा जा रहा है ना थोड़ी अलग नजरों से देखा जा रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो कार्स है ना जर्मन ब्रांड, जो प्रीमियम ब्रांड्स है लाइक BMW, ऑडी, ये उनका ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। आई मीन व्हेन यू बाय दीस कार्स आप एक तरीके से ना प्रीमियम कार खरीद रहे हो पर लोअर बजट में। तो बेसिकली लोग इसको कैसे देखते हैं ना कि यार हम इसका टॉप मॉडल लेंगे पहले ही ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये कार लेनी हो, पर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट भी रहता है कि यार कार में खर्चा काफी है, सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, इसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, सो मुझे लगता है कि इंडिया में इन कार को अफोर्ड करने का जो सही तरीका है ना, आप इसका बेस या फिर बेस से जस्ट एक ऊपर वाला मॉडल लो, और जो टॉप मॉडल तक जाने का पैसा होता है ना 4-5 लाख, तो उस पैसे को आप बचाओ और FD करा के रख दो, ठीक है। वहां से जो आपको इंटरेस्ट आता रहेगा वो उस कार के मेंटेनेंस में लगा लेना चाहे। पर यार बेसिकली मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, कोई आदमी चाहे XUV 700 लेके घूम रहा हो, टाटा हरियर लेके घूम रहा हो, पर सबको कहीं ना कहीं अंदर पता होता है जब गाड़ी साइड से निकलती है ना कि भाई ये बंदा जो है स्कॉडा चला रहा है, VW चला रहा है। इन कार का जो स्वैग है, कार का जो पर्सोना है, कार का जो टोरा है भाई, मतलब थार थार होगी, XUV 700 होगी, और जर्मन ब्रांड जो है दे आर लीग अपार्ट। अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हो, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि सही तरीका क्या है इनको अफोर्ड करने का विदाउट जेब पे ज्यादा बर्डन डाले, तो आप डेफिनेटली इन कार को चेकआउट कर सकते हो। इनकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है भाई, गियर शिफ्टिंग की स्मूथनेस है, इंजन की जो नॉइस है, दे आर जस्ट लीग अपार्ट भाई, मतलब अनमैच्ड है। कोई भी ब्रांड ये चीजें डिलीवर ही नहीं कर सकता जो आपको इन कार्स के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि देखो चॉइस अंत में आपकी है, पैसे आपके हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके लिए अपनी बेस्ट रिकमेंडेशंस लेकर आ सके। मैंने आपको जो भी कार्स बताई हैं उनकी अच्छी और बुरी दोनों बातें आपको बताई हैं। इन बातों को समझते हुए अगर आप एक कार खरीदते हो तो आपका जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी और दिन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।